आप भी 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों सबसे पहले इस स्पाइस मनी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि स्पाइस मनी क्या है और ये इसमें क्या क्या सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले स्पाइस मनी के बारे में। देखिए पहले जानते हैं स्पाइस मनी क्या है। देखिए स्पाइस मनी क्या है, तो स्पाइस मनी एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए आप लोगों को कई सारे सर्विसेज देकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप स्पाइस मनी के ऑफिशियल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस सेवा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नीचे देखें तो स्पाइस मनी में क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। स्पाइस मनी पर आपको कई सारी सर्विसेज मिलती है, जैसे अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल करना, स्टेटमेंट निकालना, बैलेंस चेक करना। इसके अलावा अपने कस्टमर का पैन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करना या नया पैन कार्ड बनाना, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, ठीक है, ट्रेन टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग इत्यादि, ये सब सारे सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, देखें आप ये देखें स्पाइस मनी है आपका, ये मोबाइल जो है मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और आप अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, भीम आधार पे कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, आपको यहाँ पर एक्सिस अकाउंट भी मिलेगा, ट्रेवल यानी आपको अपने ग्राहक का IRCTC बुक कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। और आपको और दिखाएं, यहाँ पर आप LIC की पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखें यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको मिलते हैं, LIC की पेमेंट हो गई और यहाँ पर अधिकारी एकेडमी भी है। ठीक है, तो ये स्पाइस मनी का काम है। स्पाइस मनी के अंदर बहुत से CSC की सर्विसेज भी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो आइए अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अभी आपने जाना स्पाइस मनी, ठीक है, स्पाइस मनी क्या है ये अभी आपने जाना, और इसके अंदर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या आपको सर्विस मिलते हैं आपने ये जाना। ठीक है, देखिए अब रजिस्ट्रेशन कैसे करें, देखें ID कैसे लें। ठीक है, यदि आप स्पाइस मनी के ID लेना चाहते हैं तो दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कैसे हैं, पहला आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके नज़दीकी में स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद कुछ घंटों या दिन में आपके बाद मोबाइल नंबर पर कॉल आएगा। ठीक है, इस जिसमें आपका खुद का परिचय देना होगा, इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट उन्हें सेंड करने होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ID फ्री में या कुछ पैसे देकर, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टेक्ट करें आसपास में जो भी है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं ID आपको दूंगा। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर आपको ID दूंगा और आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करके और कुछ फीस जो होती है वो सेंड करके ID मिल जाएगी। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है इसके बारे में तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पर आप जा सकते हैं, ईमेल पर सारी बातें पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन लेनी है तो एक ऐसा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ये फॉर्म आप वेबसाइट पर जाकर ले लें, स्पाइस मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर आप फिल कर लें ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन फिल करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर आपके पास कॉल आएगा। कॉल आएगा तो आप उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो ID अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हैं अगर आप वहाँ क्या कहते हैं वेबसाइट पर गए। तो अगर ऑनलाइन लेना है तो यहाँ पर फर्स्ट नाम, लास्ट नेम और यहाँ पर ईमेल ID आएगा। ईमेल ID एकदम जेन्युइन है, उस पर आपका OTP वगैरह और जो भी स्पाइस मनी से रिलेटेड है वो सारा कुछ मैसेज आएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अल्टरनेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर कोई भी पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस डालना है और यहाँ पर आपको
फोटो अपलोड करनी है। और स्टेप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ यानी कि आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे। और स्टेप थ्री में देखें, यहाँ पर स्टेप टू में हमने देखा डॉक्यूमेंट अपलोड का, स्टेप वन में अपनी डिटेल डाली बेसिक डिटेल, और स्टेप थ्री में कह रहा है कि आपको कौन कौन सी आईडी लेनी है, IRCTC लेनी है या रिटेलर लेनी है, स्पाइस मनी ATM भी लेनी है, यानी इनमें से कौन कौन सी लेनी है वो उस पर टिक कर दें। अगर IRCTC की आईडी लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, और रिटेलर भी लेना चाहते हैं रिटेलर भी क्लिक करें। डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनना चाहते हैं कि आप स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर क्लिक करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और यहाँ पर स्पाइस मनी ATM अकाउंट सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, आप और इनकी और जानकारी लेने के लिए आप हमें कमेंट करें। पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हमसे करवाना है तो आप हमसे संपर्क करें। मश्क फॉर यू, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी को आप मेल कर सकते हैं, और मेल करके आप पूछ सकते हैं, और कुछ भी जानकारी लेना हो कमेंट करें। ठीक है, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। आई होप कि वीडियो समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।